हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिच माइंडसेट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप आपकी सेल को क्लोज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बात करेंगे 3 टेक्निक टू क्लोज द सेल। ओके, ऐसी 3 टेक्निक क्या है जिसके थ्रू आप सेल को क्लोज अच्छे तरीके से और बहुत ही यूजफुली कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे बहुत फोकस किया था, बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना। बेसिकली होता ये है, क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आप सामने वाले के सामने पुट करते हो उसका एक ब्रॉड आंसर है, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की आपकी सेल्स की क्लोजिंग की तरफ जो बढ़ा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मेन फोकस हमेशा करना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर। ओपन एंडेड क्वेश्चन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैसा लगा। तो कैसा लगा के इंडिया वो बहुत कुछ बोल सकता है इसके ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा, ये लगा, वो लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छा नहीं लगा, ये बोल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका मोरल भी डाउन कर सकता है, कैसा लगा। ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। सेकेंड चीज़ जो मैंने लिखी है, सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैंने फोकस किसके ऊपर कर दिया, अच्छा के ऊपर। ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है कि आपकी सेल क्लोज हो, खुद ही अपने खुद के क्वेश्चन में प्रोस्पेक्ट को उलझाना नहीं, ये चीज़ फोकस करना आपको। ओके, सबसे अच्छा क्या लगा, तो आपने उसको फोकस करा सबसे अच्छी चीज़ के ऊपर। उसको कुछ बेकार लगा होगा ना, तो अभी उसके दिमाग में से वो चीज़ हट गई, अब वो अच्छा ढूंढने का माइंड करने के अच्छा क्या लगा, अच्छा क्या लगा, अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लगा, प्लान लगा, लाइफ स्टाइल लगी, इन्वायरमेंट लगा, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट लगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका फोकस किसके ऊपर डाइवर्ट हो गया, अच्छे के ऊपर। तो ये चीज़ बहुत काम करती है। ओके, ज्वाइन इमीडिएटली सो आस्क क्वेश्चन केयरफुल। बंदे को ज्वाइन हाथों हाथ कराना है, ये मुद्दा रखना। प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग हैंड टू हैंड होना, ऐसा नहीं है कि आज मिले कल वापस है। मतलब अपना शेड्यूल बहुत बिजी है यार, आज प्लान देना, कल एक और प्लान देना, आज इतने प्लान ऑलरेडी फिक्स है, तो डिले नहीं करनी चीज़ों को, उसको ज्वाइन कराना केयरफुली। तो मैं चाहिए होती फॉलोअप करना और क्वेश्चन पूछना इस तरीके से कि आपकी क्लोजिंग हो जाए। ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ माइंड बाय आस्किंग क्वेश्चन। सबसे मेन चीज़ होती है कि उसके डायरेक्शन ऑफ माइंड वो नेगेटिव सोच रहा है, तो उसको पॉजिटिव करना है बाय आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, इसके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कवर अप कर दूंगा, जिसके कारण आपकी जो सेल की क्लोजिंग होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। ओके, सो सेकेंड चीज़ होती है नेवर आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बंदे का दिल जितना, ये चीज़ याद रखना, नेवर आर्ग्यू विद एनी प्रोस्पेक्ट। आप प्रोस्पेक्ट से आर्ग्यू कर रहे हो तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग गई। सेल्स एंड मार्केटिंग में एक चीज़ याद रखना, आर्ग्यूमेंट 0, आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं। ओके, ऑब्जेक्शन कॉमन होते हैं, कोई बोलेगा फ्रॉड है, कोई बोलेगा कुछ होता नहीं है। सो ओके, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ऑब्जेक्शन यू नीड ए राइट आंसर, ऑब्जेक्शन है तो आपको एक राइट आंसर, लोगों के पास राइट आंसर होते नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो ऑब्जेक्शन और बढ़ती जाती है उनकी और आर्ग्यूमेंट बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको राइट आंसर देना भी ऑब्जेक्शन। ओके, इफ़ यू आर्ग्यू यू विल लूज द पर्सन। आप आर्ग्यू करेगा तो आप कंप्लीटली उस पर्सन को लूज कर लोगे, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, नेवर बीन आर्ग्यू। आपको आर्ग्यूमेंट जितना आपको मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि इस बंदे का दिल जीत लो और बाद में बोले कि यार थैंक यू सो मच, तुमने टिप शॉप अचीव की। ओके, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये फार्मूला है सर, इसको याद कर लीजिए, कस्टमर ऑलवेज राइट है। वो बोले कंपनी फ्रॉड है, उसको बोले हाँ कंपनी फ्रॉड है। वो बोले मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, बोले हाँ तुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मतलब ये आप सोचेंगे कि क्या समझा रहे, ऐसा करिए मैं ट्राई करता हूँ। ये चीज़ होती है कि आप ट्रिपल एफ लगाओगे, ट्रिपल एफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये बताऊंगा अच्छे से, तो आज आपको बताता हूँ, फील फेल्ट एंड फाउंड। उसने बोला कंपनी फ्रॉड है, तो आप उसको एक दिलासा दिलाए कि हाँ कंपनी फ्रॉड है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने वापस से सब चीज़ देखी, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, 2 तरह की कंपनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक अच्छी कंपनी एक बुरी कंपनी, मैंने सब रिसर्च करी। जब मुझे मालूम पड़ा कि जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो एक अच्छी कंपनी से बिलोंग करती है, तो मुझे पहले ऐसा लगता, लेकिन आज मेरा माइंड सेट अलग है। तो इससे क्या होगा, आपने उसकी तरी उसको उसके जैसा बना दिया, तो उसने हाँ अच्छा ये जो मेरे साथ हो रहा है ये इनके साथ भी हुआ। तो इसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ट्रिपल एफ जरूर लगाइए। ओके, ट्रिपल एफ के ऊपर मैं एक अच्छी सी ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ट्रिपल एफ किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले जो आपने ट्रिपल एफ लगाया उससे होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता ही है कि आपने उस बंदे का ईगो हर्ट नहीं किया, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया और आपने उसको जीत लिया, सबसे मेन चीज़ है। ओके,
सबसे लास्ट चीज बी एक्टिव लिसनर, आपको हमेशा एक्टिवली सुनना है। दो कान एक मुंह, ज्यादा सुनो कम बोलो, और सुनो इतना जबरदस्त कि उसके सारे क्लूज पकड़ लो कि यार कहाँ क्या 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 चीज को म्यूट लग रही है। ओके, बोलना कम सुनना शुरू ज्यादा कर दीजिए, पिक द क्लूज। वो इतनी चीजें वो बोल रहा है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्लूज दे रहा है, नीड बता रहा है अपनी। ओके, द मोर अदर पर्सन विल स्पीक द मोर क्लूज विल गेट, मतलब जितना ज्यादा सामने वाला बोलेगा उतनी ज्यादा आपको क्लूज मिलेगी। ओके, तो उसको जितना बोला सकते हो उसको बोला, क्वेश्चन पूछ पूछ के बोलवा, मतलब जितना वो बोलेगा आपकी क्लोजिंग की जो प्रोसेस है वो और इजी होती जाएगी। नीड पकड़ में आ गई क्लूज के थ्रू, इसने ज़्यादा बोला आपको नीड पकड़ लिया, आप नीड का सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशन ही जॉइनिंग। ओके, सो इस वीडियो में अपन ने वापस एक बार रिवाइज कर लेते, बात करें तीन टेक्निक जो सेल की क्लोजिंग कर सकती है। ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हमेशा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने की जो खुद को उलझा देना है। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है, ऑब्जेक्शन मिलेंगे लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना, राइट आंसर देना है। ओके, ट्रिपल ए फॉर्मूला लगाना है, फील फेल्ट एंड फाउंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। ओके, इसके बाद बी एक्टिव लिसनर, एक्टिवली सुनना है। तो ये चीज़ थी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नए तरीके और कुछ नई ट्रिक दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।